नमस्कार, मैं हूं दिशा सेठी और आप देख रहे हैं पब्लिक दिलासा न्यूज बुलेटिन। अमृतसर में पानी की टंकी पर चढ़ी महिला, पुलिस ने किया उतारने का प्रयास। घरों से पावन स्वरूप उठाने की अनुमति नहीं, सत्कार कमेटी विरुद्ध शिकायतों पर जथेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह का फैसला। तरनतारन में पैसों के लालची ने की पत्नी की हत्या, मायके से पैसे मांगने पर पत्नी ने किया था इनकार। जम्मू कश्मीर के शोपिया में एक आतंकी गिरफ्तार, सर्च अभियान में पुलिस को मिली बड़ी सफलता। तरनतारन में पुलिस ने नशा तस्करों पर शिकंजा कसा, 7,61,00,000 की संपत्ति की जब्त। बठिंडा में थर्मल प्लांट कर्मियों का प्रदर्शन, मोंटेक कमेटी की सिफारिशों का कर रहे विरोध। पंजाब विधानसभा का सत्र 28 को, एक दिवसीय सत्र संवैधानिक मजबूरी। गृह मंत्री अमित शाह की तबीयत फिर बिगड़ी, रात 2 बजे कराया दिल्ली के एम्स में दाखिल, सांस लेने में हो रही थी दिक्कत। पंजाब में नए दिशा निर्देश आज से लागू, रात का कर्फ्यू 9 बजे से 5 बजे तक रहेगा। पीएम केयर्स फंड ट्रांसफर करने की याचिका खारिज, सुप्रीम कोर्ट ने बताया वैध। गायब पावन स्वरूप का सुराग नहीं, पटियाला में दादूवाल के नेतृत्व में हुआ धरना प्रदर्शन। गुरदासपुर में व्यक्ति ने की अपने ही रिश्तेदार की हत्या, शराब पीने को लेकर दोनों में हुआ था झगड़ा। मोहाली में ठेका मुलाजिमों ने किया धरना प्रदर्शन, ठेका मुलाजिमों के प्रधान लिहार सिंह के नेतृत्व में हुआ धरना प्रदर्शन। मानसा के विधायक नाजर सिंह मनशाही अभी कोरोना संक्रमित, घर में किया खुद को क्वारंटीन। 1984 के दंगों के मुख्य गवाह की सुरक्षा हटाई, फूलका ने दी जानकारी, सिरसा ने की निंदा। अमृतसर में अकाल तख्त साहिब के जथेदार के विरुद्ध मांग पत्र, एक जथेदार 2 तख्तों का जथेदार कैसे बन सकता है, कहा अनबोल सिंह दीवाना ने। अमृतसर में एससी मोर्चा ने अखबार के खिलाफ कमिश्नर को दी शिकायत, मामला आरएसएस द्वारा संविधान बदलने की छपी खबर का। इसी के साथ खबरों का ये बुलेटिन यहीं पर समाप्त होता है, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए पब्लिक दिलासा चैनल। नमस्कार।